हाय गाइस, तो जो आज का चैप्टर है हमारा वो है काउंटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं, है ना। लेकिन मुझे ये नाम थोड़ा ज़्यादा पसंद है, काउंटिंग स्ट्रेटजीज, है ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बताता है, मतलब ये नाम कुछ अपने आप में कहना चाह रहा है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सुन के आपको एकदम से फील नहीं आता कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में, है ना, पर इससे आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा। जैसे काउंटिंग, काउंटिंग मीन्स मुझे कुछ काउंट करना है, ठीक है। अब किस चीज़ को काउंट करना है? चॉइसेस को, ठीक है ना। जैसे क्या होगा, आपको कोई काम दिया होगा, वो काम हुआ नहीं है, उस काम को करने से पहले उस काम को करने की चॉइसेस कितनी है ना, या वेज कितने हैं, उनको काउंट करना मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। जनरली आपका पूरा चैप्टर इसी बात के अराउंड घूमता रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या काउंट करना चाह रहा हूँ? चॉइसेस को, है ना, कितनी चॉइसेस मेरे पास में अवेलेबल हैं, है ना, किसी भी काम को करने के लिए, है ना। तो काम होगा नहीं एक्चुअल में, पर मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, मोस्टली यही होगा, है ना, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, ठीक है ना। हाँ, अब कई बार काउंटिंग थोड़ी सी हैक्टिक हो जाएगी, है ना। हर बार तो आपकी काउंटिंग इतनी सिंपल नहीं होगी। अगर काउंटिंग इतनी सिंपल हो कि आप उंगली से गिन लो, तो ऐसा क्वेश्चन तो कंपटीशन में नहीं आने वाला, ऑब्वियसली नहीं आने वाला, है ना, वो कोई मतलब का ही नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि आपके उंगली के स्पेस ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, इवन आप उंगली से काउंट नहीं कर पाओ, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो उस केस में आपको कुछ टेक्निक्स की हेल्प लेना पड़ेगी, है ना, या अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग करना पड़ेगी, है ना, कुछ स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर उस चीज़ के बारे में, ठीक है, तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब सिर्फ अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बारे में नहीं है, या फैक्टोरियल के बारे में नहीं है, या NPR या NCR के बारे में नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। एक्चुअली ये बिल्कुल कॉमन काउंटिंग है, बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, और हर डिफिकल्टी को क्रॉस करने के लिए आप अपनी कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ आगे चल के, अभी तो सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन आगे चल के आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि कोई ना कोई फॉर्मूला होगा इसके लिए, कोई ना कोई ऐसा होगा फॉर्मूला होगा, या फिर ऐसा कुछ ट्रिक होगा, या ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालिए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन सॉल्व होगा इसमें। पहली मेंटलिटी आपको यही बनाना होगी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है एनी हाउ, क्योंकि चैप्टर में सिंपल क्या है? काउंटिंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये दिमाग में बनाइए, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, और आप अपने कुछ वेज खुद के भी निकाल पाओगे, ठीक है, उनको गिनने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल, है ना। तो क्या है बेसिक क्वेश्चन, क्या है? मेरे पास में दो पॉइंट अवेलेबल है। हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे, कि आप सभी से, कि आप लोग प्लीज़ इसको सिर्फ सुनिएगा नहीं, आप लोग पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, और इसे नोट कीजिए, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसमें कुछ एफर्ट नहीं डालेंगे, तो मेरी मेहनत भी बेकार है और आपकी मेहनत भी बेकार है, आपका टाइम बेकार जा रहा है, ठीक है। आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ कॉपी और पेन ज़रूर रखिए, इसे नोट कीजिए, और वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम्स को भी ट्राई कीजिए, खुद से भी ट्राई कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ए और बी दो पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट के बीच में तीन रास्ते अवेलेबल हैं, है ना। ऐसा मान लीजिए कि ए और बी दो सिटीज़ हैं, है ना, और ए से बी तक जाने के तीन रास्ते अवेलेबल हैं। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ए से बी तक जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, या तो मैं इस रास्ते से चला जाऊँ, या तो इस रास्ते से चला जाऊँ, या तो इस रास्ते से चला जाऊँ। तो आंसर कितना होगा? तीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। मैं एक और पॉइंट ले देता हूँ, सी। अब बी से सी तक के लिए मैं दो रास्ते और अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब हो क्या रहा है, अब मैं ए से बी तक भी जाऊंगा, फिर बी से सी तक जाऊंगा, है ना। तो मेरे पास में कितने रास्ते अवेलेबल हैं? अगर मान लीजिए मैं पहले रास्ते से गया होता,
तो मैं कहाँ पे पहुंचा, बी पे। अब बी से कितने रास्ते अवेलेबल हैं, दो, ये लिख लिया दो, है ना। अब मान लीजिए मैं दूसरे रास्ते से गया होता, पहले से नहीं गया होता, दूसरे रास्ते से गया होता, तो अब मेरे पास में बी के बाद में कितने रास्ते अवेलेबल हैं, दो, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों से नहीं गया होता, मैं तीसरे से गया होता, ठीक है। तो ए से बी तक पहुंचा, अब फिर से कितने रास्ते अवेलेबल हैं, दो, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, छः, है ना। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई ए से सी तक पहुंचने की, छः, है ना। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ए से बी तक पहुंचने के कितने तरीके, तीन, और बी से सी तक पहुंचने के तरीके कितने, दो, है ना। अगर मैं इन दोनों तरीकों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने होंगे, छः, तो टोटल तरीके कितने, छः, ठीक है ना। हाँ, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, आप चाहो तो ये ऑब्जर्व भी, आप ये बात ऑब्जर्व भी कर रहे होगे आप लोग कि मैं कर क्या रहा हूँ। ए से बी तक हर अगले उस पे स्टेज पे पहुँचने के लिए मुझे कितने रास्ते अवेलेबल हो रहे हैं, उन सबको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। ए से बी तक, ए से बी वाली स्टेज पे पहुँचा तो कितने तरीके थे, तीन। फिर बी से सी तक पहुँचा तो कितने तरीके थे, दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मान लीजिए सी से मैं डी तक पहुंच रहा हूँ और चार तरीके अवेलेबल हैं, तो आप देखिए ए से बी स्टेज पे पहुंचने के कितने तरीके, तीन। बी से सी तक पहुंचने के कितने तरीके, दो, और सी से डी स्टेज पे पहुंचने के कितने तरीके, चार। इन तीनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर आपको टोटल पॉसिबिलिटी निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है एक पॉइंट से बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो हर स्टेज पर पहुंचने के लिए जितने तरीके आपके पास आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ए से बी स्टेज पे पहुंचने के कितने, तीन तरीके, है ना। बी से सी तक पहुंचने के दो तरीके और सी से डी तक पहुंचने के चार तरीके, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितने आ गए, 24, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी में जैसे एक हॉल बना देता हूँ, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, कुछ गेट्स हैं इसमें, तो ये कितने गेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 गेट्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस हॉल के अंदर पहुंचूं, तो अंदर जाने के कितने तरीके, ठीक है। पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, गोइंग इनसाइड, मैं अंदर जाना चाहता हूं, तो इन 10ों दरवाजों में से किसी भी एक रास्ते से अंदर जा सकता हूं मैं। या तो 1 से चला जाऊं, या तो 2 से चला जाऊं, या तो 3 से चला जाऊं, या तो 4 से चला जाऊं, या तो इससे चला जाऊं, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 10, ठीक है। तो अंदर जा रहे हैं कितने तरीके हो गए, 10। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब सेकेंड, अब मैं अंदर जाना चाहता हूँ फिर अंदर से बाहर आना चाहता हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ फिर अंदर से बाहर आना चाहता हूँ, तो अब देखिए मेरे पास अंदर जाने के कितने तरीके, अंदर जाने के तरीके कितने, 10, गोइंग इनसाइड 10, है ना। और फिर उसके बाद में, अब ये देखिए मैं एक स्टेज पार कर चुका हूँ, वही लास्ट उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है तो आप क्या कीजिए, हर एक स्टेज पे पहुंचने के लिए जितने तरीके हों उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले तो अंदर गया, अंदर जाने कितने तरीके, 10। अब मैं अंदर पहुंचने के बाद ये आ गया अंदर, अब बताइए अंदर से बाहर आने के कितने तरीके हैं, वापस से 10 तरीके हैं। इससे भी जा सकता हूँ बाहर, इससे भी जा सकता हूँ, इससे भी जा सकता हूँ, इनमें से भी किसी भी रास्ते से बाहर जा सकता हूँ, है ना। तो टोटल कितने रास्ते अवेलेबल हैं, 10, तो 10 × 10 कितना हो गया,
ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली में मैं अभी अंदर गया नहीं हूँ, ना ही मैं बाहर आया हूँ, मैं बस बाहर खड़े होके ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरे पास में अंदर जाने के रास्ते कितने अवेलेबल है, ठीक है, और अंदर से बाहर आने के रास्ते कितने अवेलेबल है। ठीक है, अभी मैंने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया है ना। तो जैसे कि अब आप लोग में से ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सर मेरे को कैसे पता लगेगा कि वो 10वें नंबर के रास्ते से गया था या 9वें नंबर के डोर से गया था या 5वें नंबर के डोर से गया, मुझे सर कैसे पता लगेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी थोड़ा फनी है ना, कि एक्चुअली में उसे कभी नहीं पता होगा, ना ही मुझे पता होगा और ना ही आपको पता होगा, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं है अभी, है ना। वो तो सिर्फ सोच रहा है, और वो सोच रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से कर सकता है ये काम, काम हुआ ही नहीं अभी, है ना। वो तो बाहर ही खड़ा है, वो तो सोच रहा है बस कि मैं अंदर कितने तरीके से जा सकता हूँ और अंदर से बाहर कितने तरीके से जा सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेनली क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि एक्चुअली में काम हुआ नहीं होता है, बस मैं सोच रहा होता हूँ कि ये काम कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन है इसी में कि ये गोइंग इनसाइड है और कमिंग आउटसाइड है, बस उसके बाद में लिखा हुआ है विथ डिफरेंट डोर्स। अब विथ डिफरेंट डोर्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मैं जिस भी रास्ते से अंदर गया हूँ, मैं उस रास्ते से वापस बाहर नहीं आ सकता, उसके अलावा किसी भी रास्ते से बाहर आ जाऊँ पर उस रास्ते से बाहर नहीं आऊँगा जिस रास्ते से मैं अंदर गया था। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए, अब मेरे पास में अंदर जाने के कितने तरीके? 10, क्योंकि 10 डोर अवेलेबल हैं। अब मैं अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब अंदर पहुंचने के बाद में मान लीजिए मैं इस रास्ते से आया होता, है ना, अगर इस रास्ते से आया होता और अंदर पहुंच गया, तो अब मैं इस रास्ते से वापस बाहर तो नहीं जा सकता। क्यों? क्वेश्चन में मना किया उसने, उसने क्या बोला है कि दूसरे डोर से वापस आना, बचे हुए डोर से, है ना, जिस डोर से तुम अंदर गए हो उस डोर से वापस नहीं आना है। तो ये डोर मेरे लिए ब्लॉक हो गया। अगर ये डोर ब्लॉक हो गया तो अब मेरे पास में कितने डोर बचे? 9 डोर, है ना। तो अब मेरे पास में कितनी चॉइस बची हैं? 9। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो गई? 9। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, है ना। अब वैसे ही अगला बार ट्राई करते हैं। इस बार क्या लिखा हुआ है? ये चीज गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउटसाइड विद सेम डोर। तो इस बार क्या हो रहा है कि इस बार मैं जिस डोर से अंदर जा रहा हूं उसी डोर से बाहर आऊंगा, है ना। तो पहले तो देखिए अंदर जाने कितने तरीके हैं, अंदर जाने के 10 तरीके हैं। अब मैं अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब अंदर पहुंचने के बाद में मान लीजिए मैं इस डोर से अंदर आया होता, तो अब मेरे पास में बाहर निकलने के कितने तरीके हैं? मेरे पास में एक ही तरीका है ना, इसी डोर से वापस निकलूं। क्यों? क्वेश्चन में बोला है उसने कि जिस डोर से आए हो उसी डोर से निकलना है और किसी डोर से नहीं निकल सकते। तो अब मेरे पास में बाकी डोर क्लोज हो गए भाई, जिस डोर को मैंने खोला मैं उसी डोर से वापस आ सकता हूँ। तो अब मेरे पास में जाने के कितने तरीके हुए? एक ही तरीका हुआ। तो ये कितने हुए टोटल? 10 तरीके। ठीक, एक इजी क्वेश्चन था आपका, है ना, ये कुछ इजी केसेस थे इसके, मतलब चैप्टर की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, ये भी सिंपल सही क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सिंपल केसेस ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो आपके पास में 5 डिजिट्स अवेलेबल है ना। देर आर 5 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको क्या करना है? आपको पता करना है इन हाउ मैनी वेज वी कैन फॉर्म, अब पहला क्वेश्चन है, अ 3 डिजिट नंबर। तो आपको क्या बनाना है? एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कैसा होता है? ऐसा कुछ, 3 डिजिट नंबर के लिए मेरे को कितनी प्लेसेस की जरूरत होती है? 3 प्लेसेस की। ठीक है, अब मेरे पास में नंबर कितने अवेलेबल हैं? 1, 2, 3, 4 और 5।
अब पहले प्लेसेस के लिए देखिए, पहले प्लेस के लिए मेरे पास में कितने ऑप्शन अवेलेबल है। एक भी रख सकता हूँ, दो भी रख सकता हूँ, तीन भी रख सकता हूँ, छः चार भी रख सकता हूँ और पांच भी रख सकता हूँ। अभी रखा नहीं है मैंने, पर मैं रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा फाइनल नंबर बना नहीं है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं कितने ऑप्शन है कि मैं इसको एक 3 डिजिट नंबर बना सकता हूँ। इन पांचों में से कोई एक नंबर रख सकता हूँ मैं, तो कितने तरीके हो गए, पांच है ना, इनटू। अब इस प्लेस के लिए अब मेरे पास में कितने ऑप्शन बचे, चार। एक नंबर चुन चुका हूँ मैं, इनमें से कोई एक नंबर चुन चुका हूँ, तो अब मेरे पास में कितने ऑप्शन बचे, चार, चार नंबर बचे। अब दो नंबर चुन चुका हूँ, इन पांच नंबर में से दो नंबर मैं चुन चुका हूँ, तो अब मेरे पास में कितने ऑप्शन बचे, तीन। तो ये तीन, तो देखिए टोटल केसेस कितने हो गए, 5 × 4 × 3, 5 4 20, 20 3 60, ठीक है ना। तो हम वही कंसेप्ट लगा रहे हैं, है ना। हर एक स्टेज में आपको जो जितनी चॉइसेस अवेलेबल है उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहली स्टेज में मेरे पास में पांच नंबर में से पांच चॉइसेस अवेलेबल हैं। फिर सेकेंड स्टेज में मेरे पास में एक नंबर यूज़ कर चुका हूँ, तो अब कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, चार, है ना। थर्ड स्टेज में मेरे पास में तीन चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो तीन, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 5 4 20, 20 3 60, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि मेरे को 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, पर वो नंबर मेरा 300 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, 300 से, ठीक है। तो अब देखिए, वापस मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब इसमें ये नंबर मेरा किससे छोटा होना चाहिए, 300 से, है ना। वापस में मेरे पास में कितने नंबर अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इस प्लेस पे मैं कौन सा नंबर रख सकता हूँ, इस प्लेस पे 4 रख सकता हूँ क्या, नहीं। अगर मैंने इस प्लेस पे 4 रख दिया तो वो नंबर 300 से छोटा नहीं होगा, ना ही मैं इस प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, इवन 3 भी नहीं रख सकता। अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे मैं कोई और नंबर रखने जाऊँगा, 2 रख दिया मान लीजिए, या यहाँ पे 5 रख दिया, तो 325 हो जाएगा, 325 तो 300 से छोटा नहीं है। तो ये वाला नंबर किससे छोटा होना चाहिए, 3 से। तो 3 से छोटे नंबर कितने हैं मेरे पास में, 2। तो मेरे पास में इस पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, सिर्फ 2। कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, 2। अब इस प्लेस के लिए, अब मैं इस पांचों नंबर में से कितने नंबर यूज कर चुका हूं, एक नंबर यूज कर चुका हूं, तो अब मेरे पास में कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे। चार में से मैं कोई भी एक नंबर चूज कर सकता हूँ, है ना। इसके लिए कितने ऑप्शन हैं, चार, कोई भी चार रख सकता हूँ। फिर सेम, अब दो नंबर यूज कर चुका हूँ पांच में से, तो अब कितने ऑप्शन बचे, तीन, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 8, 8 × 3 कितना, 24, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो, कंडीशन क्या थी, 300, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या कि इन तीनों बॉक्सेस में मैं किसी में भी पहले रख सकता हूँ, लेकिन कई बार ये इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इस अगली कंडीशन पे, कि मेरे को कौन सा बॉक्स पहले भरना है। अभी 300 बोल रहा था तो मैंने इस बॉक्स को प्रायोरिटी दी, है ना। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे मैं इस बॉक्स को प्रायोरिटी दूँ, इस बॉक्स को पहले फिल कर रहा हूँ, है ना, फिर इन दोनों से किसी बॉक्स को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें मैं इस बॉक्स को पहले फिल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा। अब इस बार जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है कि मुझे 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन वो नंबर 200 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 200 से, ठीक है। हाँ, देखिए आप लोग चाहें तो साथ साथ खुद भी ये प्रॉब्लम्स करते जा सकते हैं। मैं जब भी क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए
और आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आते जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके बेसिक स्ट्रांग होते जाएंगे, एक बार आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए तो फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अटेंड कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बेसिक से ही जाएंगे, है ना, कुछ भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इस बार मेरा नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 200 से, ठीक है। तो इस प्लेस पे मैं 1 रख सकता हूँ क्या, नहीं, 2 रख सकता हूँ क्या, हाँ 2 रख सकता हूँ, मैं 2 रखूँगा तो भी ये नंबर क्या होगा, 200 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लेस पे 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, ये चारों में से कोई सा भी एक नंबर रख सकता हूँ, बस 1 नहीं रख सकता। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, 4 इंटू, अब 5 नंबर में से कितने नंबर यूज कर चुका हूँ, एक, कितने ऑप्शन बचे, 4, तो इसके लिए कितने अवेलेबल हैं, 4, ठीक है। आपको बात समझ में आई, है ना, सबसे पहले मैं 1 नहीं रख सकता था, तो मेरे पास में कितने चॉइसेस अवेलेबल थी, 4, 2, 3, 4 और 5, इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे रख दिया, है ना, 4 तरीके से, है ना। अब एक नंबर में यूज कर चुका हूँ, तो टोटल 5 में से एक नंबर यूज किया, अब मेरे पास में कितने नंबर बचे, 4, तो 4 में से फिर से कोई एक नंबर यहाँ पे रख दिया, है ना। अब 2 नंबर यूज कर चुका हूँ, तो अब 2 नंबर यूज करने के बाद में कितने नंबर बचे मेरे पास में, 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3, तो कितना आ गया, 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, ठीक है, तो ये 48 आंसर हो गया, है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, पर वो क्या होना चाहिए, इवन, क्या होना चाहिए, इवन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ पहले, तो इसमें इवन नंबर है मेरा, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्रायोरिटी है इवन नंबर, तो मैं ये बॉक्स को प्रायोरिटी दूंगा, इनको नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि नंबर मेरा कुछ भी कर लो इवन होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर के लिए तो 3 प्लेसेस मैंने बना दी, लेकिन मेरा नंबर क्या होना चाहिए, इवन, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, इसको। अब इवन नंबर होने के लिए जो मेरा पहला डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन, तो मेरे पास में नंबर कौन कौन से अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें से इवन कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 ही नंबर है, 2 और 4, मतलब कि पहले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास में कितने ऑप्शन हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं कितने नंबर यूज कर चुका हूँ, एक नंबर यूज कर चुका हूँ, है ना, तो 5 में से एक गया, कितने ऑप्शन बचे, 4, तो अब इसमें कितने, 4 तरीके से भर सकता हूँ, और इसमें कितने, 3 तरीके से भर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना, 12, 12 इंटू 2 कितना, 24, ठीक है। हाँ, अब सेम यही क्वेश्चन मैं किसके लिए ले सकता हूँ, इवन के लिए, कि मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, और वो क्या होना चाहिए, ऑड, वो क्या होना चाहिए, ऑड। तो इस बार वापस अगर मैं 3 बॉक्स बनाऊं तो किस बॉक्स को प्रायोरिटी दूंगा, पहले वाले को, इस वाले को, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, ऑड, है ना, तो ऑड के लिए यही कंडीशन होना चाहिए, है ना। अब वापस देखिए, इन 5ों नंबर में से मेरे पास में ऑड नंबर बनाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1 3 और 5, मतलब कि 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 और 4 तो नहीं रख सकता मैं, तो इस बॉक्स में ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं, 3, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में एक नंबर यूज कर लिया है, तो अब इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन हैं, 4, और इस बॉक्स के लिए 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 3 जा 12, और 12 और 3 कितना, 12 इंटू 3 36, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन वो किसका मल्टीपल हो,
का। तो अब देखिए, अब मुझे नंबर किसका मल्टीपल बनाना है, 4 का। तो 4 का मल्टीपल के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो लास्ट टू डिजिट होते हैं, लास्ट टू डिजिट वो 4 से डिविजल होना चाहिए। किससे डिविजल होना चाहिए? 4 से। तो अब मेरे पास में ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए, मैं कोई एक बॉक्स एक बार में नहीं भर सकता, है ना, और ना मैं ये वाला बॉक्स एक बार में फिल कर सकता हूँ। मुझे ये दोनों बॉक्स को साथ में लेना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए, अब दोनों बॉक्स को साथ में कैसे लूँ, दिक्कत आ रही है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक बॉक्स को पहले, इस बॉक्स को मैं फिल कर दूंगा नंबर से और फिर इनके लिए ऑप्शन देखूंगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होगा वो, कि मैं ऐसा कर लेता हूँ उसको कि पहले ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया और इसको मैं फिल करूँगा। तो इसको मैंने फिल किया, जैसे कि 4 का मल्टीपल होने के लिए भाई क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो नंबर इवन होना चाहिए। तो नंबर क्या है, 2 और 4, है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं है, ये मेरा नंबर लिया है मैंने, कौन सा नंबर लिया है, 2, है ना। ये नंबर मैंने ले लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए, है ना। देखिए, अगर मेरा 4 से जो मल्टीपल होना चाहिए, 4 का जो मल्टीपल होता है उसमें अगर पहला डिजिट 2 हो जाए तो यहाँ का डिजिट क्या क्या हो सकता है, यहाँ वाला डिजिट, यहाँ वाला डिजिट, यहाँ का डिजिट हो सकता है 1, है ना। यहाँ का डिजिट क्या, सॉरी, 1, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। देखिए, 1 मतलब कि 12, 3 मतलब 32, 5 मतलब 52, और ये तीनों डिविजल होंगे। तो 1, 3, 5 मतलब इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, 3। तो इसमें लिख लिया 3, ठीक है। हाँ, अब इसमें, अब मेरे पास में कितने नंबर यूज़ हो गए, एक नंबर यहाँ पे यूज़ हो गया, एक नंबर यहाँ पे यूज़ हो गया, 5 में से 2 नंबर यूज़ कर लिए, तो अब कितने नंबर बचे, 3 नंबर बचे। तो इसके लिए भी कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3। तो टोटल कितने केस हो गए, 3 × 3 कितने, 9, ठीक है। तो टोटल कितने, 9 हो गए, ठीक है। अब एक और केस, इस प्लेस मैं क्या फिल कर देता हूँ, 4। अब मैंने अगर इस प्लेस पे 4 रखा तो आप सोचिए कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो इस प्लेस के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्लेस के लिए देखिए, इस प्लेस पे मैं 1 रख सकता हूँ क्या, अगर मैंने 1 रखा तो ये 14 हो जाएगा, 4 से डिविजल नहीं होगा। 3 रखूँगा तो 34 हो जाएगा, 34 भी डिविजल नहीं होता, ना ही 54 होता है, कौन होता है, 24 होता है। तो इस प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। तो मेरे पास में एक ही चॉइस अवेलेबल है, तो इसके लिए क्या हो गया, 1, ठीक है। अब मैं 2 नंबर फिल कर चुका हूँ, तो 5 में से 2 नंबर फिल कर चुका हूँ, अब मेरे पास में इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3, है ना। तो 3 × 1 कितने हो गए, 3। तो टोटल केस कितने हो गए, 12। तो इसका आंसर कितना होगा, 12, ठीक है। तो ये इस तरीके से, देखिए कोई मेथड नहीं है ना, कोई फॉर्मूला है, मैं ये एक टेक्निक है जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ और अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए चैप्टर का नाम दिया है काउंटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसमें मैं अपनी प्लानिंग करूँगा खुद की और कुछ टेक्निक डेवलप करूँगा जिससे कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, है ना। तो हमेशा आपके पास में कोई फॉर्मूला नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली हम आगे फॉर्मूले के डिस्कस करेंगे, है ना, और मेथड डिस्कस करेंगे कि हम काउंटिंग कैसे करने वाले हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे ही मेरे को इवन नंबर के लिए देखना था तो मेरा एक प्लेस से काम हो रहा था, लेकिन देखिए 4 के मल्टीपल के लिए मेरे को 2 प्लेस लेना पड़ी, है ना। तो 2 प्लेस को मैं एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, एक प्लेस को मैंने किया फिल और फिर बाकी 2 प्लेसेस को फिल किया, फिर उसी प्लेस में अगली पोजीशन फिल की, फिर बाकी 2 प्लेसेस को फिल किया। ये 2 केस बन रहे हैं मेरे पास में, इन दोनों केस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 12, ठीक है।
होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना? ठीक है।